आप कह रहे मुसलमानों की जीत हो गई है, मुसलमानों की जीत हो गई है। पठान की कामयाबी पर बौखलाए नरसिंहानंद, दिया विवादित बयान। इंडियन सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर लगातार निराशा के बाद पर इस समय अलग ही जादू छाया हुआ है, क्योंकि बॉलीवुड का बादशाह लौट आया है। शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान को लेकर दुनिया भर के दर्शकों के दिलों पर इस समय राज कर रहे हैं। पठान रिलीज के बाद से ही एक के बाद एक तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सिनेमा की फिल्म पठान वाहिद ऐसी फिल्म बन गई है जिसने केवल 5 दिनों में 500 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। ये दीवानगी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है। हिंदी सिनेमा के बादशाह शाहरुख खान पठान के बाद दुनिया भर में भारत की छाप छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में मौजूद कुछ कट्टरपंथी लगातार अपने जहरीले बयानों के कारण अराजकता फैलाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डासना मंदिर के महंत ने पठान को लेकर विवादित बयान दिया है। आरोप है कि उन्होंने पठान देखने वाले दर्शकों को गद्दार करार दे दिया है। दरअसल टाइम्स एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में यति नरसिंहानंद ने फिल्म पठान को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने पठान की कामयाबी पर कहा कि फिल्म अगर हिट हो गई है तो मुसलमानों की बहुत बड़ी ताकत है इसमें, क्योंकि वो 40 करोड़ है इस देश में, मुसलमानों की जीत हो गई है इसमें। यदि नरसिंहानंद ने फिल्म देखने वाले दर्शकों के बारे में कहा कि ये गद्दार तो केवल हिंदुओं में पैदा होते हैं, अगर फिल्म हिट हो गई तो ये हमारी कमजोरी है। यदि नरसिंहानंद ने कहा कि शाहरुख खान ने लव जिहाद किया है, उन्होंने कहा हम हिंदुओं को मुसलमानों के साथ नहीं रहना है। डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद का ये बयान आप टाइम्स एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में विस्तार से देख सकते हैं, जिस पर यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक यूजर ने लिखा, पठान मूवी पर बॉयकॉट का उतना ही असर पड़ा है जितना कि कोरोना में ताली और थाली का हुआ था। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये भड़काने के काम के अलावा कर ही क्या सकता है। वहीं एक और यूजर लिखते है, पठान फिल्म की कमाई का कुछ हिस्सा बॉयकॉट गैंग को भी मिलना चाहिए, बहुत मेहनत की है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, ये नफरती बाबा है, ये नफरत के अलावा कुछ नहीं जानता है। एक यूजर ने लिखा, फिल्म के टिकट पर 28% GST मनोरंजन कर है, अगर फिल्म 500 करोड़ कमाती है तो फिल्म का 28% के हिसाब से सरकार को कितना टैक्स मिलेगा। एक यूजर ने लिखा, ये तो अभी तक मुस्लिम को गाली देता था, अब तो हिंदुओं को भी गाली दे रहा है। आपको बता दें शाहरुख खान की ये फिल्म हर दिन कमाई के ऐसे आंकड़े दे रही है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। पठान को रिलीज से पहले कुछ कट्टरपंथी संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इतने बवाल के बाद भी पठान शान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई और 4 दिनों में ही 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अब फिल्म का 5वें दिन का भी कलेक्शन 500 करोड़ के पार बताया जा रहा है। पठान की कामयाबी पर यति नरसिंहानंद के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।